मुनी अहमद आर फ्रॉम खनियार श्रीनगर। आज आपको पता है कि नेशनल लेवल पर यूनिटी डे भी है, जहाँ पर हम लोग सब हर बरादरी हर भाईचारा मिलकर एक दूसरे के साथ मुल्क की तरक्की और इस्लामियों को योगदान करने के लिए लग लेते हैं, कसम लेते हैं। वो जरूरी है आज के प्रोग्राम में 700 से ज़्यादा बच्चों ने, बुजुर्गों ने, बच्चियों ने और सब तरह की जो कैटेगरी में लोगों ने हिस्सा लिया, आपके सामने अभी कोई सरगर्मी नहीं है, काफ़ी अच्छी है। इस वक्त हम लोग जो किस खाटपुर को देख रहे हैं, इसमें लोग अमन और शांति चाहते हैं, लोग किसी भी तरह के तशद्दुद के खिलाफ लार्ज स्केल के ऊपर उसकी मजम्मत की, उसको खत्म किया। और अभी का माहौल इस वक्त फिर से बहुत अच्छा है और आपने देखा जो बच्चों की पार्टिसिपेशन आज के प्रोग्राम में सब चीज़ें हैं, ये इस बात का इशारा है कि लोग अमन और तरक्की की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लोग तशद्दुद को रद्द करते हैं। सर क्या मैसेज रहेगा आपका उनको जिन्होंने हथियार उठाया? हमारा मैसेज यही रहेगा कि आप लोग अपने माँ बाप के खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपके इस कदम से हर किसी को पहुँचनी है, आपकी अपनी जान भी इसमें गाया होती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हथियार उठाने की जगह, जैसा कि पहले ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आए थे, उनका पैगाम था कि हाथ में पत्थर या गोली या बंदूक की जगह हाथ में किताब हो, बच्चे पढ़ें, लिखें, अपना फ्यूचर बनाएं और जहां जम्मू कश्मीर की खुशहाली बहबूदी के लिए काम करें। मेरा भी यही पैगाम है कि वेपन उठाने से नहीं, कलम उठाने से, वेपन उठाने से नहीं, किताब उठाने से, वेपन उठाने से नहीं, अपने समाज, अपने माँ बाप के साथ मिलकर काम करने में ही समाज की